रहीम जल्दी जल्दी इंटेग्रोमेटिक सिस्टम को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्किन की ले जाती है, सबसे ऊपर होती है एपिडर्मिस, फिर होती है डर्मिस, उसके नीचे एक लेयर है हाइपोडर्मिस। कुछ लोग कहते हैं स्किन का ऐसा है, कुछ लोग कहते हैं नहीं है। फिर स्किन दो तरह की होती है, थिक स्किन और थिन स्किन, डिपेंडिंग अपॉन द थिकनेस ऑफ द एपिडर्मिस। ठीक हो गया। एपिडर्मिस के अंदर चार तरह के सेल्स होते हैं और पांच तरह की लेयर होती है। पहले चार तरह के सेल्स को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले होते हैं केराटिनोसाइट्स। केराटिनोसाइट्स हमारे पास प्रिंसिपल सेल है जो कि सारी लेयर पाई जाती है। इनकी माइटोटिक डिवीजन हो रही होती है निचली दो लेयर्स के अंदर। इनके अंदर केराटिन फाइबर मौजूद होते हैं इन द फॉर्म ऑफ टोनोफिब्रिल्स। ठीक है। और उसके अलावा ये ऐसे ग्रेन्यूल्स रिलीज करते हैं जिनको हम लैमिनर बॉडीज कहते हैं या मेम्ब्रेन कोटिंग ग्रेन्यूल्स कहते हैं। ये ग्रेन्यूल्स जो है वो ऊपर वाली लेयर्स के अंदर यानी स्ट्रेटम ग्रैनुलोसम और स्ट्रेटम कॉर्नियम के अंदर वाटर बैरियर क्रिएट कर रहे होते हैं। ठीक हो गया। और जैसे जैसे ये जो केराटिनोसाइट्स हैं ये ऊपर जाते रहते हैं, वैसे वैसे ये फ्लैट होते चले जाते हैं। फिर आते हैं हमारे पास दूसरी तरह के सेल्स जिनको कहते हैं मेलानोसाइट्स। ये मेलानोसाइट्स स्ट्रेटम बेसल और स्ट्रेटम स्पेरोसम में ज्यादा पाए जाते हैं। इनके अंदर कोई डेस्मोसोम वगैरह नहीं होते। इनके अंदर एक एंजाइम होता है जिसको कहते हैं टायरोसिनेज। ये टायरोसिनेज जो है वो कन्वर्ट करता है टायरोसिन को 3,4-dihydroxyphenylalanine यानी डोपा के अंदर, और डोपा से बनता है मेलानिन। ठीक है। मेलानिन हमारे अंदर मेलानिन ग्रैन्यूल्स के अंदर मौजूद होता है। मेलानिन एक ब्राउनिश ब्लैक पिगमेंट होता है। ठीक। थर्ड टाइप सेल आते हैं अपन लैंगरहैंस सेल्स। लैंगरहैंस सेल्स के अंदर ग्रैन्यूल्स खास तरह के होते हैं जिनको हम कहते हैं करैक्टरिस्टिक टेनिस रैकेट शेप ग्रैन्यूल्स। इनका नाम है बर्बेक ग्रैन्यूल्स। और दूसरी बात यह है कि ये हमें आम एजेंट स्टेरिंग से नहीं मिलते, इनके लिए स्पेशल स्टेरिंग टेक्निक्स होती हैं। गोल्ड इम्प्रेगनेशन से हमें नजर आते हैं। लैंगरहैंस सेल्स कौन सी लेयर में पाए जाते हैं? स्ट्रेटम स्पाइनोसम के अंदर पाए जाते हैं। इनके बहुत ज्यादा डेंड्रिटिक प्रोसेसेस होते हैं। जब कोई एंटीजन एंटर होता है इन तक पहुंचता है तो ये अपने प्रोसेस को खत्म करते हैं, स्क्वीज आउट होते हैं, डर्मिस के थ्रू होते हुए के चले जाते हैं लिम्फ वेसल के अंदर। लिम्फ वेसल से लिम्फ नोड में जाते हैं और वहां पे उसको जो एंटीजन है उसको डिस्ट्रॉय करवा देते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि इनका इम्यून रिस्पॉन्स भी फंक्शन है। कुछ लोग लैंगरहैंस सेल्स को मोनोन्यूक्लियर फैगोसाइट सिस्टम के अंदर भी इंक्लूड करते हैं। फोर्थ टाइप ऑफ सेल होते हैं मर्कल सेल्स। ये हमारे पास स्ट्रेटम बेसल के अंदर ज्यादा पाए जाते हैं मर्कल सेल्स। इनके अंदर डेंस कोट ग्रैन्यूल्स होते हैं जिनके अंदर न्यूरोसिक्रेटरी सब्सटेंसेस होते हैं। उसके अलावा इनमें कुछ इंटरमीडिएट फाइबर्स होते हैं केराटिन फाइबर्स जो कि और किसी यानी केराटिन साइट्स में नहीं होते। इनमें खास तरह के केराटिन फाइबर्स होते हैं। ठीक हो गया। एक्सॉन टर्मिनल और मर्कल सेल का जो एक जंक्शन होता है उसको हम कहते हैं मर्कल सेल न्यूराइड कॉम्प्लेक्स या मर्कल कॉर्पसल। फंक्शन ऑफ मर्कल सेल में देखा जाए तो ये मैकेनोरिसेप्टर के तौर पर रोल प्ले कर रहे होते हैं। ये डिफ्यूज न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम एक बना रहे होते हैं। ये उन जगहों पर ज्यादा होंगे जहां पे हमारे पास सेंसेशन ज्यादा होंगे जैसे कि फिंगर टिप्स हो गए, लिप्स हो गए, उन जगहों पर मर्कल सेल्स हमारे पास ज्यादा तादाद में मौजूद होते हैं। फिर आते हैं हमारे पास लेयर्स ऑफ एपिडर्मिस। पांच लेयर होती हैं थिक स्किन के अंदर, चार लेयर होती हैं थिन स्किन के अंदर। पांच लेयर्स कौन कौन सी हैं? स्ट्रेटम बेसल, स्ट्रेटम स्पाइनोसम, स्ट्रेटम ग्रैनुलोसम, स्ट्रेटम लूसिडम और स्ट्रेटम कॉर्नियम। ये स्ट्रेटम लूसिडम हमारे पास नहीं होती थिन स्किन के, सॉरी हाँ थिन स्किन में स्ट्रेटम लूसिडम नहीं होती। स्टार्ट करते सबसे पहले लेयर में स्ट्रेटम बेसल। स्ट्रेटम बेसल के अंदर हमारे पास मर्कल सेल्स भी होंगे, मेलानोसाइट्स भी होंगे और सबसे ज्यादा कौन से होंगे? जाहिर बात है केराटिनोसाइट्स। जो केराटिनोसाइट्स वहां पे यहां पे होंगे उसके अंदर बहुत ज्यादा सारे डेस्मोसोम्स होंगे और हेमी डेस्मोसोम्स होंगे। याद रखिएगा हेमी डेस्मोसोम्स सिर्फ स्ट्रेटम बेसल के अंदर ही होते हैं। ठीक हो गया। और जाहिर बात है जो सेल्स होते हैं वो डिवाइड कर रहे होते हैं, इसलिए हम इसको स्ट्रेटम बेसल के अलावा स्ट्रेटम जर्मिनेटम भी कहते हैं। उसके अलावा हाँ यही है कि जो केराटिनोसाइट्स हैं उनके अंदर केराटिन होगा इन द फॉर्म ऑफ टोनोफिलामेंट्स। सिंपल चीज है। नेक्स्ट ले जाते हैं हमारे पास स्ट्रेटम स्पाइनोसम। स्ट्रेटम स्पाइनोसम के अंदर हमारे पास स्पाइन्स होती हैं यानी जो सेल्स होते हैं उनके साइटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस होते हैं। खासतौर पर इसके अंदर लैंगरहैंस सेल्स मौजूद होती है। ठीक। तो उन साइटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस को चूंकि हमें स्पाइन लगती है इसलिए हमने इसका नाम रख दिया है स्ट्रेटम स्पाइनोसम। बाकी इसके भी केराटिनोसाइट्स के अंदर टोनोफिब्रिल्स वगैरह होंगे, टोनोफिलामेंट्स होंगे, इसके अंदर भी केराटिनोसाइट्स डिवाइड कर रहे होते हैं। तो पहले दो लेयर्स के अंदर केराटिनोसाइट्स डिवाइड कर रहे होते हैं यानी स्ट्रेटम बेसल और स्ट्रेटम स्पाइनोसम के अंदर डिवीजन हो रही होती है, इसलिए इन दो लेयर्स को हम कलेक्टिवली कहते हैं मैलपीजियन लेयर्स। ठीकों की बात और कोई इसमें डिफिकल्ट चीज नहीं थी। हाँ, जो स्ट्रेटम स्पाइनोसम के केराटिनोसाइट्स होते हैं वो लैमिनर बॉडीज प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, वो लैमिनर बॉडी फॉर्म कर रहे होते हैं जो अगली लेयर्स में सुपरफिशियल लेयर्स में जाकर वाटर बैरियर क्रिएट करते हैं। फिर आते हैं हम स्ट्रेटम ग्रैनुलोसम की तरफ। इनके अंदर खास तौर पर ग्रैन्यूल्स होते हैं जिनको हम कहते हैं केराटोहायलिन ग्रैन्यूल्स। इन केराटोहायलिन ग्रैन्यूल्स के अंदर दो तरह के खास तौर पर प्रोटीन होती है, एक फिलैग्रिन और एक ट्राइकोहायलिन। ये बात समझ में आ गई। फिर जो स्ट्रेटम स्पाइनोसम के अंदर रिलीज किए थे हमने लैमिनर बॉडी, वो लैमिनर बॉडी यहाँ पे आ जाएंगी, स्ट्रेटम ग्रैनुलोसम में होंगी और एक वाटर बैरियर क्रिएट कर रही होंगी। तो और कोई खास बात नहीं थी। इसके अंदर सिर्फ केराटिनोसाइट्स होंगे, जाहिर सी बात है बाकी तीनों टाइप ऑफ सेल्स स्ट्रेटम ग्रैनुलोसम के अंदर नहीं होती। फिर आती है स्ट्रेटम लूसिडम। स्ट्रेटम लूसिडम के अंदर जो केराटिन फिलामेंट्स हैं उनको जोड़ने के लिए एक खास सब्सटेंस है जिसका नाम है इलीडिन। इलीडिन का नाम याद रखना। और स्ट्रेटम लूसिडम को कुछ लोग स्ट्रेटम कॉर्निया में कंक्लूड करते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं ये एक अलग लेयर है, ये एक थिन ट्रांसल्यूसेंट लेयर है जो कि इयोसिनोफिलिक सेल्स पर कंसिस्ट कर रही होती है। लास्ट लेयर आती है हमारे पास स्ट्रेटम कॉर्नियम। इसके अंदर जो सेल्स होते हैं उनको हम कहते हैं कॉर्नियोसाइट्स। इसके अंदर केराटिनोसाइट्स सबसे ज्यादा फ्लैट होते हैं, डेड होते हैं। याद रखिएगा केराटिनोसाइट्स नीचे से ऊपर जाते हुए
फ्लैट होते चले जाते हैं, डेड होते चले जाते हैं, उनके अंदर केराटिन की तादाद बढ़ती चली जाती है और डेस्मोसोम्स कम हो जाते हैं। तो स्ट्रेटम कॉर्नियम के नीचे नीचे जो होते हैं सेल्स उनमें डेस्मोसोम होते हैं, जो सुपरफिशियल होते हैं डेस्मोसोम भी नहीं होते। तो जो सुपरफिशियल सेल्स जो स्ट्रेटम कॉर्नियम है वो बिल्कुल फ्लैट होते हैं, विदाउट डेस्मोसोम होते हैं, डेड होते हैं, उनमें बहुत ज्यादा केराटिन होता है, उनको कहते हैं स्क्वेम्स। जब ये स्क्वेम्स उतर जाते हैं तो इस प्रोसेस को कहते हैं डिस्क्वामेशन। बॉडी के कुछ थिक स्किन वाली जगह होती है जिनको हम कैलोसिटीज कहते हैं, कैलोसिटीज पे स्ट्रेटम कॉर्नियम ज्यादा मौजूद होता है, ज्यादा थिक मौजूद होता है। तो यहां तक बात थी स्ट्रेटम कॉर्नियम के बारे में। ये तो कंप्लीट होती है हमारे एपिडर्मिस, आगे स्टार्ट होती है हमारे डर्मिस। को देखते हैं, डर्मिस को हम कोरियम भी कहते हैं। ये थिन होती है आईलेट्स पे और काफी थिक होती है आपकी पाम्स और सोल्स वगैरह में। इसकी दो लेयर्स हैं, ऊपर वाले लेयर को कहते हैं पेपिलरी लेयर और नीचे वाले कहते हैं रेटिकुलर। रेटिकुलर लेयर पेपिलरी लेयर से काफी थिक होती है। पेपिलरी लेयर को पेपिलरी लेयर क्यों कहते हैं? क्योंकि ये एपिडर्मिस के अंदर एक्सटेंशन बना रही होती है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाती है, जिसको हम कहते हैं पेपिलाए। ठीक, और इसी तरह एपिडर्मिस भी इसके अंदर कुछ ना कुछ प्रोजेक्शन बनाते हैं जिनको हम कहते हैं एपिडर्मल रिजेस। तो ये दो चीजों का पता नहीं, पेपिलाए के होते हैं, एपिडर्मल रिजेस के होते हैं। पेपिलरी लेयर जो होती है दिस इज रिचली वैस्कुलर लेयर, इसके अंदर बहुत ज्यादा ब्लड वेसल्स वगैरह मौजूद होती है। और ये बनी भी किस चीज की होती है? कोलेजन टाइप 1 फाइबर्स की, रेटिकुलर फाइबर्स की, इलास्टिक फाइबर्स की, लेटर बटर। ठीक, उसके अलावा देखिएगा जो बेस पर मेम्ब्रेन होती है उससे एंकरिंग फाइब्रिल्स, कोलेजन टाइप 7 के एंकरिंग फाइब्रिल्स निकल के डर्मिस पर जाते हैं ताकि डर्मिस को वो होल्ड कर सके, वो चिपका के रख सके, एपिडर्मिस से डर्मिस को एक कनेक्शन बना के रख सके। उसके अलावा देखा जाए तो पेपिलरी लेयर के अंदर हमारे पास मेसेनियल कॉर्पसल्स होते हैं और क्रॉजेस एंड बल्ब्स का जिक्र किया है। ठीक हो गया, नेक्स्ट आती है रेटिकुलर लेयर। पेपिलरी लेयर से नीचे होती है ज्यादा थिक लेयर जिसका नाम है रेटिकुलर लेयर। रेटिकुलर लेयर इज लेस सेलुलर, इसके अंदर कोलाजन टाइप 1 के फाइबर पाए जाते हैं और काफी थिक इलास्टिक फाइबर भी पाए जाते हैं। इसके अंदर जो कॉर्पसल्स मौजूद है उनका नाम है पैसिनियन कॉर्पसल्स और रफिनीज कॉर्पसल्स। उसके अलावा कुछ स्मूथ मसल्स भी स्कैटर्ड फॉर्म में रेटिकुलर लेयर के अंदर मौजूद होते हैं, जो कि अगर कॉन्ट्रैक्ट करें तो स्किन के अंदर सॉरी स्किन के अंदर रिंकल आ जाते हैं, जैसा कि स्कॉटम की स्किन होती है या निपल्स की स्किन होती है या पीनस की स्किन होती है, तो मुख्य जो की स्किन होती है। ठीक होगी बात। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास हेयर की। हेयर की एक लंबी शाफ्ट होती है जो स्किन से बाहर होती है उसको जो स्किन से बाहर वाला हिस्सा उसको हम कहते हैं शाफ्ट, जो स्किन से अंदर वाला हिस्सा उसको हम कहते हैं रूट, जो रूट के इर्द गिर्द वाला हिस्सा उसको हम कहते हैं हेयर फॉलिकल। हेयर फॉलिकल के अंदर डर्मिस की एक एक्सटेंशन आ रही थी, इसको हम नाम देते हैं पेपिलाए। ठीक, और हेयर फॉलिकल के साथ कुछ मसल्स अटैच होते हैं, उन मसल्स को हम कहते हैं इरेक्टर पाइलाए मसल। अगर हम हेयर की शाफ्ट को डिस्कस करें, इसकी तीन लेयर होती है। सबसे अंदर मेडुला जो कि दो तीन सेल की लेयर पर कंसिस्ट कर रही होती है, और इसके अंदर जो सेल्स के दरमियान जगह उसके अंदर एयर फिल्ड होती है। दूसरी आती है कॉर्टेक्स, जो मेन बल्क है वो कॉर्टेक्स बना रहा होता है। इसके अंदर भी आपके पास फ्लैटन फ्यूजीफॉर्म हैवीली केराटिनाइज सेल्स होते हैं, और इसके अंदर बेसिकली मेलानिन पिगमेंट होता है जो कि हेयर को कलर दे रहा होता है। और सबसे आउटर लेयर होती है क्यूटिकल, जो कि सिंगल सेलुलर लेयर होती है, जो बिल्कुल नीचे के क्यूटिकल के सेल्स है उनके अंदर न्यूक्लियस होता है, ऊपर वाले क्यूटिकल के सेल्स के अंदर न्यूक्लियस भी नहीं होता। हेयर की ग्रोथ देखिए तो 2 मिलीमीटर पर वीक के हिसाब से ग्रो कर रहा होता है। इसका कलर डिपेंड कर रहा होता है मेलानिन के ऊपर, जो कि ये वाले मेलानोसाइट्स प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। फिर आता है हेयर फॉलिकल। हेयर फॉलिकल के अंदर हमारे पास तीन पार्ट्स होते हैं, इन्फंडिबुलम, इस्थमस और इन्फीरियर सेगमेंट। अगर इनको देखा जाए डायग्राम के हवाले, वो पार्ट सेबेशियस ग्लैंड की डक्ट और स्किन के बीच में होता है, मतलब सरफेस के बीच में होता है, उसको हम कहते हैं इन्फंडिबुलम। फिर जो इस डक्ट से लेकर स्मूथ मसल की अटैचमेंट, ये दूसरा पार्ट होता है, इसको हम कहते हैं इस्थमस। और इसे नीचे का जो पार्ट होता है इसको हम कहते हैं इन्फीरियर पार्ट। इन्फीरियर पार्ट के अंदर ये जो बल्ब से बना हुआ है इसको हम कहते हैं इन्फीरियर सेगमेंट के अंदर हेयर बल्ब, इसको नाम दिया हुआ हमने। ठीक हो गया। फिर अगर इसकी लेयर्स की बात की जाए तो दो तरह की लेयर्स है, अंदर वाली को हम कहते हैं एपिथेलियल रूट शीट, बाहर वाली को कहते हैं कनेक्टिव टिश्यू रूट शीट। एपिथेलियल रूट शीट को फर्दर हमने दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, इनर लेयर और आउटर लेयर। इनर लेयर को फिर फर्दर एपिथेलियल रूट शीट की इनर लेयर को फर्दर तीन पार्ट में डिवाइड किया। सबसे अंदर वाली को हम कहते हैं क्यूटिकल, उसके बाद हम कहते हैं हग्सलेज लेयर, और सबसे बाहर वाली को कहते हैं हम हेनलेज लेयर। ठीक, फिर इसकी जो आउटर रूट शीट है उसके बारे में खास कोई बात नहीं है, सेवरल लेयर्स की बनी हुई होती है। फिर हम ये बात में रखिएगा, जो एपिथेलियल रूट शीट है वो एपिडर्मिस से ड्राइव हुई हुई है। ठीक, और जो कनेक्टिव टिश्यू रूट शीट है वो डर्मिस से ड्राइव हुई है। कनेक्टिव टिश्यू रूट शीट की तीन लेयर होती है, अंदर वाली कहते हैं विट्रस लेयर, जिसको ग्लासी लेयर भी ग्लासी अपीयरेंस होती है जिसकी, उसके बाद आती है हमारे मिडल लेयर, और सबसे बाहर आती है हमारे पास आउटर लेयर। तो ये सिंपल चीज थी, कोई इसमें ऐसी डिफिकल्टी नहीं थी। इरेक्टर पाइलाए, ये वो इरेक्टर पाइलोरम, ये मसल्स अटैच हुए होते हैं आपके पास इनके जो हेयर के फॉलिकल है उनके अंदर मसल अटैच हुए होते हैं, इनको सिंपथेटिक नर्व फाइबर्स इनर्वेशन दे रहे होते हैं। जब भी हमारे पास कोई सिंपथेटिक नर्व फाइबर्स का रिस्पांस आ रहा होता है, कोई सिग्नल आ रहे होते हैं, फाइट और फ्लाइट रिस्पांस वगैरह प्रोड्यूस हो रहा होता है, तो ये मसल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं जिसकी वजह से बाल खड़े होते हैं, जिसको हम गूस बम्प्स भी कहते हैं। खासतौर पर जब सर्दी लगती है इंसान को तो कोल्ड में भी ये गूस बम्प्स अपीयर हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो हेयर है वो इरेक्ट हो जाते हैं। ठीक, उसके बाद इसमें कोई ऐसी डिफिकल्टी नहीं थी। अच्छा, हेयर के इरेक्ट होने की वजह से कई दफा कोल्ड में जो है ये इंसुलेशन का काम भी कर रहा होता है। फंक्शन ऑफ हेयर बहुत सिंपल चीज है, कोई इंसुलेटरी फंक्शन वगैरह नहीं होता, सिर्फ एक टेक्टाइल सेंसेशन है
यानी कि सेंसेशन वगैरह में टच की जो सेंसेशन है उसमें आपका हेयर अपना रोल प्ले कर रहा होता है। फिर आते हैं नेल्स। नेल्स बहुत सिंपल चीज है, अगर स्ट्रक्चर को देखा जाए तो इसको बेसिकली हम कहते हैं नेल की बॉडी, जो एरिया हम काटते हैं उसको कहते हैं फ्री एज, और जो अंदर गया उसको हम कहते हैं रूट। ये जो बॉडी है इसका पिंक कलर क्यों होता है, क्योंकि ये ब्लड के कलर को डिपेक्ट कर रहा होता है, और ये जो व्हाइट जगह ये थोड़े से केराटिनाइज सेल होते हैं इसकी वजह से ये व्हाइट जगह होती है, इस व्हाइट जगह का नाम है लोनुला। ठीक हो गया। अच्छा, ये नेल बेल्ट बेल्ट के ऊपर जो साइड से स्किन आ रही होती है इसको हम कहते हैं नेल फोल्ड, और स्किन और नेल के बीच की जो जगह उसको हम कहते हैं नेल ग्रूव। ये भी समझ में आ गई, नेल के नीचे की जो स्किन है उसके अंदर स्ट्रेटम, उसकी एपिडर्मिस में स्ट्रेटम बेजियर और स्ट्रेटम स्पाइनोसम तो होती है, अलबत्ता कॉर्निया वगैरह नहीं होती। ये नेल हार्ड केराटिनाइज मटेरियल का बना हुआ होता है, इसके अंदर कोई डिस्कॉर्मेशन वगैरह नहीं हो रही होती। उसके अलावा अगर नेल के बारे में देखा जाए तो वो ये बता रहे हैं कि नेल की जो ये वाली जगह है, ये जो बिल्कुल जंक्शन है आपकी नेल की नीचे वाली स्किन का और नॉर्मल स्किन का, इसको इसके ऊपर एक थिक केराटिनाइज सेल मौजूद होता है जिसको हम कहते हैं हाइपोनाइकियम। ठीक, और इसी तरह ये जो ऊपर वाला जंक्शन है यहाँ पे भी एक सेल्स की लेयर होती है जिसको हम कहते हैं एपोनाइकियम। तो ये वाली बातें हो गई, उसके अलावा इसमें कोई खास चीज हाँ नेल में नहीं थी। फिर आते हैं ग्लैंड्स ऑफ द स्किन की तरफ। ग्लैंड्स एक तो सेबेशियस ग्लैंड होते हैं और एक स्वेट ग्लैंड होते हैं। सबसे पहले देखते हैं सेबेशियस ग्लैंड को। सेबेशियस ग्लैंड की जो ओपनिंग होती है वो आपके पास हेयर फॉलिकल के अंदर हो रही होती है, यानी जहाँ पे हेयर होगा वहाँ पे सेबेशियस ग्लैंड्स होंगे। कुछ जगह है जहाँ पे सेबेशियस ग्लैंड की जो ओपनिंग है वो डायरेक्ट स्किन पे होती है, जैसे कि मिसाल के तौर पर लेबिया माजोरा, लिप्स हो गया, ग्लैंड्स पीनस हो गया, या टार्सल प्लेट्स हो गया, इन जगहों पर सेबेशियस ग्लैंड की डायरेक्ट ओपनिंग भी होती है। सेबेशियस ग्लैंड हो या स्वेट ग्लैंड हो या हेयर हो, ये सारे डर्मिस के अंदर मौजूद होते हैं। ठीक, हेयर के बारे में पूछा जाए तो इट इज डिराइव फ्रॉम एपिडर्मिस बट इट इज प्रेजेंट इन द डर्मिस। ये बात आपको समझ में आ गई होप सो। अच्छा, सेबेशियस ग्लैंड थिक स्किन में नहीं होते, यानी कि पाम्स में और सोल्स वगैरह में सेबेशियस ग्लैंड नहीं मौजूद होते। फिर आगे जाते हैं, सेबेशियस ग्लैंड हमारे पास स्ट्रेटिफ हाँ सिंपल एक्नर ग्लैंड्स होते हैं, यानी कि इसके अंदर ये सैक लाइक एक्ने वगैरह मौजूद होती है। एक्ने का स्ट्रक्चर को देखा बड़ा इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर है, जो बेजल सेल्स हैं वो डिवाइड करते हैं और जो ऊपर ऊपर जाते रहते हैं जैसे जैसे, तो ये मजीद राउंड होते रहते हैं, जिसकी वजह से इसके अंदर ऑर्गेनेली, इसके अंदर लिपिड्स वगैरह, लिपिड ड्रॉपलेट्स इंक्रीज करते जाते हैं। यानी आप इस तरह कह सकते हैं एक्ने की जो सुपरफिशियल लेयर्स हैं, जो मेम्ब्रेन की सुपरफिशियल लेयर्स हैं, उनमें सबसे लार्ज साइज सेल होते हैं, सबसे ज्यादा लिपिड रिच सेल्स होते हैं। ठीक, सुपरफिशियल लेयर भी कहते हैं और एक्ने के अंदर जो सेंट्रल सेल्स हैं वो भी कहते हैं, यानी इसकी मेम्ब्रेन के सुपरफिशियल सेल्स या पूरे सैक का सेंट्रल सेल्स, वो आपके पास लार्ज इन साइज होते हैं, रिच इन लिपिड्स होते हैं, वो टूट जाते हैं, उसी को हम कहते हैं सीबम। तो सीबम के बारे में यहाँ पे बताया है, फाइनली ऑल अदर सेंट्रली लोकेटेड सेल्स ब्रेक डाउन इनटू अ फैटी मास, सेलुलर डेब्रिस एंड सेलुलर डेब्रिस, दिस ऑयली मटेरियल कॉल्ड सीबम इज पास टू द डक्ट ऑफ द ग्लैंड इंटर फंडेबल वगैरह, वो सारी बातें आसान है। अच्छा, सीबम को जो सिक्रीशन है उसको कंट्रोल कर रहे होते हैं हमारे पास एंड्रोजेंस। एंड्रोजेंस मेल्स में हमारे पास टेस्टोस्टेरोन है, फीमेल्स में ओवेरियन और एड्रेनल एंड्रोजेंस वगैरह होते हैं। फिर फंक्शन देखा जाए सीबम का, तो एक तो ये आपकी स्किन को टेक्सचर दे रहा होता है, दूसरा हेयर की फ्लेक्सिबिलिटी भी रोल प्ले कर रहा होता है, और थोड़ा बहुत एंटी बैक्टीरियल एंटी फंगल रोल भी प्ले कर रहा होता है। सेबेशियस ग्लैंड की डक्ट को देखा जाए तो सेबेशियस ग्लैंड की जो डक्ट है वो दे आर लाइन बाय स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम, जो उसी तरह की एपिथेलियम है जो हमारे पास एपिडर्मिस की मेलपीगियन लेयर्स में थी। मेलपीगियन लेयर से मुराद स्ट्रेटम बेजियर और स्ट्रेटम कॉर्नियम, सॉरी स्ट्रेटम बेजियर और स्ट्रेटम स्पैनोजम। तो यहां तक कंप्लीट होते हैं हमारे। अच्छा, फिर आखिर में एक्ने का जिक्र है कई दफा। अच्छा, फिर ये बात देखिएगा, प्यूबर्टी पे जारी बात है एंड्रोजन ज्यादा होते हैं, सीबम ज्यादा रिलीज होता है, जिसकी वजह से सीबम जो है वो ग्लैंड्स के अंदर स्टोर वगैरह होना शुरू होता है, जब इसको बैक्टीरिया इन्वेड करता है तो उसको हम नाम देते हैं एक्ने का, जिससे नौजवान बहुत अच्छी तरह वाकिफ होते हैं। नेक्स्ट आगे चलते हैं हम स्वेट ग्लैंड्स की तरफ, जिसको हम सुडोरीफिक ग्लैंड्स भी कहते हैं। दो तरह के स्वेट ग्लैंड्स होते हैं, एक एक्राइन स्वेट ग्लैंड्स और एक एपोक्राइन स्वेट ग्लैंड्स। एक्राइन स्वेट ग्लैंड्स बॉडी में तकरीबन हर जगह होते हैं और एपोक्राइन स्वेट ग्लैंड्स खास मखसूस जगह पर होते हैं, जिस तरह के एक्जिला में होते हैं, पेरोनियल रीजन में होते हैं और एरियोरा वगैरह में होते हैं, ऐसी खास जगह पर होते हैं। डिफरेंसेस की बात करते हैं हम, तो एपोक्राइन ग्लैंड्स की लोकेशन देखी जाए एक्जिला, एरियोला, लेबिया माजोरा, सकम ये वाली, और एक्राइन ग्लैंड थ्रू आउट द स्किन। ओपनिंग देखी जाए एपोक्राइन ग्लैंड सेबेशियस ग्लैंड की तरह हेयर फॉलिकल में ओपन होते हैं, जबकि एक्राइन ग्लैंड सीधा जो आपकी सर्फेस है उसके ऊपर स्वेट पोर के फॉर्म में मौजूद होते हैं। एपोक्राइन ग्लैंड फंक्शनल होते हैं एट प्यूबर्टी, प्यूबर्टी से पहले ये फंक्शनल नहीं होते, जबकि एक्राइन ग्लैंड जो है वो बर्थ से हमेशा से फंक्शनल ही होते हैं। इनर्वेशन देखी जाए एपोक्राइन ग्लैंड के अंदर ए से एपोक्राइन, ए से एड्रिनर्जिक सिंपथेटिक नर्व फाइबर्स। ठीक, और इस तरह से एक्राइन ग्लैंड के अंदर कोलिनर्जिक सिंपथेटिक नर्व फाइबर होते हैं, इसमें दो सी आ रहे हैं ना, इसलिए कोलिनर्जिक सिंपथेटिक नर्व फाइबर और इसमें ए से स्टार्ट हो रहा है तो एड्रिनर्जिक सिंपथेटिक नर्व फाइबर्स। एपोक्राइन ग्लैंड को जो स्टिमुलस चाहिए होता है सिक्रीशन के लिए वो होता है इमोशनल या सेंसरी स्टिमुलस, जबकि एक्राइन ग्लैंड को कोई हीट हो जैसे गर्मी लग रही होती है या नर्वस स्टिमुलस हो जिसमें अगर पसीने छूट गए तो वो इसके लिए स्टिमुलस होता है। फिर एपोक्राइन ग्लैंड में जो सिक्रेटरी पोर्शन है उसमें सिंगल टाइप ऑफ सेल होते हैं, जबकि एक्राइन ग्लैंड में दो तरह के सेल होती है, एक डार्क सेल्स एक क्लियर सेल्स। जो डार्क सेल्स होती हैं
वो नीचे से लेके ऊपर तक जा रहे होते हैं, और मैं अगर आपको डार्क सेल को, हाँ डार्क सेल जो होते हैं वो म्यूकॉइड सिक्रीशन प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, ये देखिएगा इस तरह के होते हैं डार्क सेल, जो बेस पे बहुत थोड़े लगे होते हैं ऊपर ज्यादा होते हैं, इसके एपिकल रीजन में ग्रैन्यूल्स वगैरह होते हैं। और दूसरे ये होती है क्लियर सेल्स, की क्लियर सेल्स जो है वो बेस के करीब होते हैं लेकिन उनका ऊपर से कनेक्शन होता है थ्रू अ कैनाल, जिसको हम कैनालिक्यूली कहते हैं। ये जो क्लियर सेल्स होते हैं ये जारी बात है स्टेनिंग में बहुत लाइट नजर आते हैं, जो डार्क सेल्स है वो स्टेनिंग में डार्क नजर आते हैं, इसीलिए इनका नाम इस तरह से पढ़ गया हुआ है। तो डार्क सेल क्लियर सेल के बारे में डिस्क्राइब कर दिया। हाँ, जो क्लियर सेल होते हैं वो सेरस सिक्रीशंस कर रहे होते हैं, ये मुझे पता होना चाहिए। और जो एपोक्रिन ग्लैंड है वो जारी बात है सीबम को सिक्रीट करेंगे, सीबम ज्यादा विस्कस मटीरियल है जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स, अमीनो एसिड्स, लिपिड्स, ये वो सारा कुछ होता है। अच्छा, फिर स्वेट और सीबम का डिफरेंस लिखा हुआ है, फिर एंड में आता है जो आपके पास डक्ट है ग्लैंड की, वो डक्ट एपोक्रिन ग्लैंड की सिंगल टाइप ऑफ सेल्स की बनी हुई होती है, जबकि एक्रिन ग्लैंड की डक्ट भी दो तरह के सेल्स की बनी हुई होती है, एक को हम कहते हैं आउटर लेयर, एक को हम कहते हैं बेसल लेयर, और एक को हम कहते हैं ल्यूमिनल लेयर। तो ये डिफरेंसेस थे एपोक्रिन ग्लैंड और इसके बीच में। अच्छा, स्वेट के फंक्शंस देख लीजिएगा, स्वेट के दो फंक्शन है आपके पास, नंबर एक एक्सक्रीशन, नंबर दो थर्मोरेगुलेशन, बहुत सिंपल चीज थी। फिर आता है हमारे पास ब्लड सप्लाई ऑफ द स्किन, दो तरह की सप्लाई का जिक्र किया हुआ है, एक कुटेनियस प्लेक्सस है जो कि हमारे पास हाइपोडर्मिस के अंदर ब्लड सप्लाई होती है, और फिर इससे ब्रांचेस जाती है जो कि थोड़ी सुपरफिशियल एक और प्लेक्सस फॉर्म होती है जिसको हम कहते हैं सब पेपिलरी प्लेक्सस। सब पेपिलरी प्लेक्सस डर्मिस की पेपिलरी लेयर और रेटिकुलर लेयर के दरमियान पाया जा रहा होता है। अच्छा, फिर जो आपकी थर्मोरेगुलेशन है जिसमें हम कहते हैं स्किन के ऊपर ब्लड सप्लाई बढ़ा दी, स्किन पर ब्लड सप्लाई घटा दी, ये सारा कुछ डिपेंड कर रहा होता है इसी सब पेपिलरी प्लेक्सस। फिर कलर ऑफ स्किन हमारा चार चीजों पर डिपेंड कर रहा होता है, मेलानिन पे जो कि ब्राउन ब्लैक पिगमेंट है, कैरोटीन पे जो कि येलोइश पिगमेंट है जो कि स्ट्रेटम कॉर्निया में पाया जाता है, और हीमोग्लोबिन और ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ये बहुत सिंपल चीज है। थैंक यू वेरी मच, वीडियो अच्छी लगी शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। यार जल्दी जल्दी की वीडियो में बहुत मेहनत होती है, जल्दी जल्दी इसको लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। अल्लाह हाफिज़।